हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, गैलेक्सी M51 का नया अपडेट आ चुका है, वन यूई 2.5 का, जिसके अंदर हमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स यूज करने के लिए मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सबसे अमेजिंग फीचर की, तो यहां पर हमें सिक्योर फोल्डर का अपडेट मिल जाता है, वो भी ओल्ड जी लाइव फीचर के साथ। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हमें यूज करने के लिए मिलने वाले हैं वन यूई 2.5 के। तो इसी की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपना फ़ोन चेक करा देता हूँ कि मेरा जो गैलेक्सी M51 है वो वन यू आई 2.5 पर अपडेट हो चुका है। चलते हैं सीधे अबाउट फ़ोन के अंदर, सॉफ्टवेयर इन्फो में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वन यू आई का कोर वर्जन आपको यहाँ पर मिल जाता है 2.5 का, बिल्कुल लेटेस्ट। और अगर बात करें यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट की, तो आप देख सकते हैं लास्ट अपडेट जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है इस अपडेट के अंदर, हैप्टिक फीडबैक। उसके अलावा यहाँ पर आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड फीचर्स मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर डिवाइस स्टेबिलिटी की बात की है और यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात की है। और आप ये देख सकते हैं ये जो पैच है यहाँ पर 1 नवंबर 2020 का पैच है। और अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो 962 MB है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके अपडेट्स की। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपडेट सिक्योर फोल्डर की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन पैनल में आपको सिक्योर फोल्डर का आइकन देखने के लिए मिल जाता है। इसको आप या तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ये सेटिंग्स में जाएंगे बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में, वहाँ पर आपको सिक्योर फोल्डर के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने इसको जो है ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है सिक्योर फोल्डर को, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन्यू के अंदर यहाँ पर आइकन दिखाई दे रहा है सिक्योर फोल्डर का। अगर आप सिक्योर फोल्डर को कैसे यूज़ करना है, कैसे क्रिएट करना है, इन डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैंने गैलेक्सी M31s पर वीडियो बनाया है सिक्योर फोल्डर का कि कैसे उसको यूज़ करना है। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब सिक्योर फोल्डर को यहाँ पर जो है हम ओपन कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर जो है सिक्योरिटी लगाई हुई है फिंगरप्रिंट की एंड पिन की। चलिए मैं यहाँ पर जो है इसको फिंगरप्रिंट से ओपन कर लेता हूँ और इस तरह से सिक्योर फोल्डर खुलकर सामने आ जाता है। तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कॉन्टेंट सजेशन का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है, जहाँ पर हमें ये AI बेस पर जो है कॉन्टेंट सजेस्ट करता है हाइड करने के लिए। अब बात करते हैं क्विक सर्च फीचर की। अगर मैं यहाँ पर सिक्योर फोल्डर के अंदर कोई ऐप यूज़ कर रहा हूँ, सपोज़ करो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर स्विच करना है नॉर्मल व्हाट्सएप पर, तो मैं यहाँ पर पावर बटन को दो बार प्रेस करूँगा और यहाँ पर आसानी से स्विच कर सकता हूँ नॉर्मल फ़ोन वाले व्हाट्सएप पर। और वापस अगर मैं डबल प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं वापस सिक्योर फोल्डर पर आ चुका हूँ। हम अगर यहाँ पर WhatsApp के अलावा दूसरी कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो भी इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि मैं यहाँ पर क्रोम को यूज़ कर रहा हूँ और क्रोम को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर पावर बटन को दो बार प्रेस करता हूँ, तो मैं जो नॉर्मल फ़ोन वाला जो क्रोम है उस पर आसानी से स्विच कर जाऊँगा। इस तरह से यहाँ पर जो है मेरी प्राइवेसी बनी रहेगी, मैं सिक्योर फोल्डर के अंदर क्या कॉन्टेंट यूज़ कर रहा हूँ, किससे क्या चैट कर रहा हूँ, ये मैं आसानी से छुपा सकता हूँ लोगों से। इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपने यहाँ पर जो पावर बटन वाला ऑप्शन दिया हुआ है इस पर टैप करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे साइड की सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक लॉन्च कैमरा के साथ यहाँ पर जो क्विक स्विच टू सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भी आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। साइड की सेटिंग पर जाना है और यहाँ पर क्विक स्विच टू सिक्योर फोल्डर को चूज़ करना है, तब आप जाकर इस फीचर को यूज़ कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पर पावर बटन को दो बार प्रेस करेंगे आप सिक्योर फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट हैप्टिक फीडबैक की। तो उसके लिए हमने जो है सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन में। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाने के बाद सिस्टम साउंड एंड वाइब्रेशन कंट्रोल के अंदर हमें जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर सैमसंग कीबोर्ड का ऑप्शन भी मिल रहा है जो कि पहले इनेबल नहीं था, मैंने इसको इनेबल कर रखा है। तो आप जो है अब यहाँ पर टाइपिंग का जो भी एक्सपीरियंस लेंगे वहाँ पर आपको हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन मिलेगा और इसको आप अच्छे से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की जो कि कीबोर्ड से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट पर टैप करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर जो है मोड्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें जो है स्प्लिट कीबोर्ड का ऑप्शन यूज़ करने के लिए मिल जाता है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर जो है स्प्लिट कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं लैंडस्केप मोड में और इसको रिसाइज भी कर सकते हैं अपनी यूसेज के हिसाब से। अब बात करते हैं कीबोर्ड के नेक्स्ट अपडेट की। तो यहाँ पर 3 डॉट पर टैप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें YouTube का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो किसी को अगर YouTube वीडियो का लिंक शेयर करना है तो वो हम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे सामने जो पॉपुलर वीडियोज़ आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर हमें सर्च करना है तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करके जो है वीडियो को सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए एक वीडियो को हम यहाँ पर सर्च करके देख लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर जो है टाइप करके वीडियोस को सर्च कर सकते हैं और जिस वीडियो का भी लिंक हमें शेयर करना है उस पर हम टैप करके उस वीडियो का लिंक सामने वाले को हम आसानी से यहाँ पर भेज सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट भी जो है वो कीबोर्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड जो है हमें
स्टिकर्स हमारे सामने शो हो जाते हैं और उन स्टिकर्स को अगर हमें यहाँ पर सेंड करना है तो किसी को भी हम यहाँ पर जो है आसानी से वो स्टिकर सेंड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पर कैसे मिलेगा, चलिए हम चलते हैं सीधे यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर। उसके बाद स्मार्ट टाइपिंग को जाना है और स्मार्ट टाइपिंग को जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सजेस्ट स्टिकर्स वाइल टाइपिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस पर अगर टैप करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं बिटमोजी, आर इमोजी, मोजी टॉक। तो इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पर जो इंस्टॉल करनी है, और सिर्फ इंस्टॉल नहीं करनी, उसको कॉन्फ़िगर करना है, तभी आप जो है इस फीचर को यूज़ कर पाएंगे, स्टिकर का सजेशन आपको तभी मिल पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आपको जो स्टिकर का सजेशन है वो यहाँ पर आपको कहाँ पर चाहिए, किस एरिया के अंदर चाहिए, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बिटमोजी को जो है आप यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर। यहाँ पर क्लॉक स्टाइल में जाएंगे और क्लॉक स्टाइल में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जिफ वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है उस पर आप अपना बिटमोजी भी लगा सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फ़ोटो को सेट किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे बिटमोजी का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर टैप करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्टिकर्स खुल के आ जाएंगे। ये स्टिकर्स आपको तभी खुलेंगे अगर आपने यहाँ पर बिटमोजी की एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ और उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ तभी मेरे सामने ऑप्शन आ जाते हैं, तो इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करके इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है। तो चलते हैं सीधे स्क्रीन रिकॉर्डर पर और स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या नया अपडेट देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से जो है हमारे सामने कुछ कंट्रोल पैनल खुल के आता है रिकॉर्डिंग का। तो यहाँ पर हम इसको अब मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो कि पहले हम नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर ये एक ट्रांसपेरेंट वे में मिनिमाइज़ हो जाता है और हम अच्छी तरह से जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर ले सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पर नहीं होता है और इसको हम यहाँ पर इस तरह से एक्सेस करके इसको स्टॉप कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि मल्टी विंडो से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर मैं दो एप्लीकेशन को एक साथ यूज़ कर रहा हूँ, सपोज़ करो मैं स्प्लिट स्क्रीन व्यू में यहाँ पर यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ यहाँ पर व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों ही एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर स्विच कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैं आसानी से एप्लीकेशन को स्विच कर सकता हूँ। व्हाट्सएप को ऊपर कर दिया है, यूट्यूब को नीचे, या यूट्यूब को ऊपर और व्हाट्सएप को नीचे, मैं इस तरह से आसानी से कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक और अच्छा फीचर हमें यूज़ करने के लिए मिलता है सैमसंग के फ़ोन में, कि हम यहाँ पर अगर वीडियो एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो उसके साथ साथ यहाँ पर हम चैटिंग का एक्सपीरियंस भी पूरा का पूरा ले सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है सैमसंग के स्प्लिट विंडो फीचर के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राकेश जी का चैनल है ज्ञान थेरेपी, मैं डाई हार्ट फैन हूँ इनका। तो इस तरह से जो हम यहाँ पर वीडियो देखते हुए यहाँ पर चैटिंग का एक्सपीरियंस भी पूरी तरह से ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो है असिस्टेंट मेन्यू से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप ये आइकन देख सकते हैं, इस आइकन को हम कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकते हैं। इस आइकन पर हमें कुछ शॉर्टकट फीचर्स मिलते हैं यूज़ करने के लिए, तो इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से कुछ फीचर्स हमारे सामने खुल के आ जाते हैं जिनको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है रीसेंट बटन यूज़ कर सकते हैं, होम बटन यूज़ कर सकते हैं, बैक बटन है, स्क्रीनशॉट लेना है, पावर ऑफ करनी है, तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। या यहीं से डायरेक्ट इसकी सेटिंग्स में चले जाते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद हमें एक्सेसिबिलिटी में जाना है, उसके बाद हमें जाना है यहाँ पर इंटरेक्शन डेक्सटेरिटी में। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट मेन्यू का ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है शो एज एज आइकन के नाम से। अगर हम इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट मेन्यू वाला जो ऑप्शन है वो अब हमारे सामने जो है फ्लोटिंग बटन की तरह आ चुका है। तो ये जो फ्लोटिंग बटन है थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें जो डिस्ट्रैक्ट करता है फ़ोन को यूज़ करने में, या थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो इसको अपडेट करके यही किया गया कि ये जो है अब यहाँ पर जो है इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि वाईफाई से रिलेटेड है। तो चलते हैं सीधे यहाँ पर वाईफाई की सेटिंग्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जो सेटिंग वाला आइकन है इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर हमें नीचे QR कोड का ऑप्शन मिलता है। इस पर चलिए टैप करके देखते हैं तो यहाँ से जो हम यहाँ पर इसको सेव एज इमेज कर सकते हैं, ये इस QR कोड को यहाँ से डायरेक्टली हम शेयर कर सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। और इस तरह से जो हम QR कोड के थ्रू वाईफाई को शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि पैनिक मोड से रिलेटेड है। तो चलते हैं सीधे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे एडवांस फीचर में, और एडवांस फीचर में हमें जाना है यहाँ पर पैनिक मोड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंड SOS मैसेज का ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसको चलिए हम यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें जो है कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, कि यहाँ पर वो कॉन्टैक्ट हमें सेलेक्ट करने हैं कि बाई चांस अगर हमारे साथ में कोई इमरजेंसी हो, और हम यहाँ पर जो है किन लोगों को जो है लोकेशन अपनी भेजना चाहेंगे कि इमरजेंसी में जो है वो हमारी हेल्प हो सके। तो यहाँ पर वो कॉन्टैक्ट हमें सेलेक्ट करने हैं, और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कि पावर बटन को हमें यहाँ पर 3 बार प्रेस करना है या 4 बार प्रेस करना है इमरजेंसी में। तो अगर हम यहाँ पर वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और उतनी बार पावर बटन को यहाँ पर प्रेस करते हैं तो वो जो है करंट लोकेशन वहाँ पर पहुँच जाती है उन नंबर्स पर जो नंबर्स हमने यहाँ पर डाले हुए होते हैं,
और इस तरह से जो है हम यहाँ पर SOS अलर्ट भेज सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो दोस्तों बस यही था आज का ये वीडियो। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।